वेलकम टू क्लास छुलो जी, बीएससी थर्ड ईयर, पेपर नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर थर्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर में पेपर नंबर सेकंड है और इसकी यूनिट नंबर हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है आपके नर्वस सिस्टम। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ एक्शंस, एक्शन पोटेंशियल यानी क्रिया विभव का आधार, एंड रूल ऑफ क्लोराइड एंड अदर आयंस यानी क्लोराइड आयन और अदर आयंस के क्या रूल्स होते हैं नर्व्स के अंदर, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन्स जो होती है, जब वो एक्साइटेड होती है तब उसके अंदर स्टिमुलेट होते हैं नर्व इम्पल्स। इसके कारण नर्व्स जो है वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर चली जाती है और इसके जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके ऊपर मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो स्टॉप हो जाता है। और स्टॉप होने के बाद में जैसे ही न्यू मेम्ब्रेन पर न्यू पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट होता है, जो पॉजिटिव होता है, और इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये हमेशा इक्वल रहता है और इसके ऊपर एक लॉ बना है जिसे ऑल और नॉन लॉ भी कहते हैं। इन्हें कहने का मतलब ये है कि बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, क्रिया विभव का जो आधार है वो क्या है। जब न्यूरॉन एक्साइटेड होगी तो वो स्टिमुलेट होगी और स्टिमुलेट होकर धीरे धीरे वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर चली जाएगी, और रेस्टिंग स्टेज के अंदर जैसे ही वो जाती है तो मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोटेंशियल चार्ज होता है वो स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट न्यू मेम्ब्रेन के ऊपर न्यू पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के कारण वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जो कि हमेशा इक्वल रहता है। इसके ऊपर एक लॉ है जिसे ऑल और नन लॉ भी कहते हैं। जब न्यूरॉन जो है वो एक्टिव होती है तो वो डीपोलराइजेशन जो है उसके क्रिएट करती है, जिसके कारण उसकी आउटर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसी के कारण आयंस जो है वो मूवमेंट करते हैं। जब हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि इस स्टेज के अंदर कैटायन पंप जो होता है वो स्टॉप हो जाता है और चेंज द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स चैनल्स के ऊपर जो है मेनली परमेबिलिटी जो होती है या मेम्ब्रेन के ऊपर जो परमेबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है, और इसके कारण चैनल जो है वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने के कारण आउटर और इनर मेम्ब्रेन में जो आयंस है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है, बाहर से जो सोडियम आयन इंटरनल सरफेस के अंदर एंटर होते हैं तब इसका एक पीक आता है, जैसे ग्राफ के अंदर एक पीक आता है, ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर ये जो पीक है, ये वाला जो है ये पीक है, पीक कहलाता है, जिसे अपन हिंदी में चोटी कहते हैं। तो ये पीक जो होता है पीक पीरियड में मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोर होते हैं वो क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाते हैं, और इसे सोडियम इनएक्टिवेशन भी कहते हैं, यानी इसे सोडियम का असक्रियण भी कहते हैं। पोटेशियम आयन जो है वो हाईली अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आउट रिमूव होने लग जाते हैं, आउटर सरफेस पे रिमूव होने लग जाते हैं, और सोडियम आयन्स जो होते हैं वो इनर सरफेस के अंदर एंटर होने लग जाते हैं। इस प्रकार आउटर जो सरफेस होती है वहाँ पर क्लोरीन आयन के कारण जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और इनर सरफेस पे सोडियम आयन के कारण जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस प्रकार जो है वो आयन्स इंटरनल मेम्ब्रेन से, ये आपके इंटरनल मेम्ब्रेन है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, किसकी प्रेजेंस के कारण, क्लोरीन के प्रेजेंस के कारण, और सोडियम आयन है जिसके कारण आउटर साइड के ऊपर क्या प्रेजेंट है आपके, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आता है, क्लोराइड आयन के कारण नेगेटिव चार्ज जो है वो बाहर की तरफ रिमूव होने का लग जाता है। इस कारण आयन्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, और ये मूवमेंट जो है वो आपके एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रूल ऑफ क्लोराइड्स एंड अदर आयन्स, यानी क्लोराइड आयन का क्या रूल्स है, उसके अलावा सोडियम पोटेशियम या अनदर जो भी आयन्स हैं उनका क्या रूल्स होता है नर्व मेम्ब्रेन्स या न्यूरॉन्स के अंदर। क्लोरीन आयन्स जो होते हैं वो न्यूरॉन मेम्ब्रेन के आर पार जो है वो पंप नहीं किए जाते हैं, जैसे सोडियम या कैटायन पंप पड़ा है तो कैटायन पंप में क्या था कि जो सोडियम आयन है ना पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, पंप हो रहे हैं, क्या हो रहा है, पंप हो रहा है, बट क्लोरीन आयन जो है वो पंप नहीं होते हैं, बट यह न्यूरॉन मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाते हैं यानी विसरित हो जाते हैं,
और क्लोरीन आयन पंप जो है वो नहीं होता है, क्लोरीन आयन का पंप कभी नहीं होता है। यह आयन ओनली फॉर डिफ्यूज़न होगा या पोलरिटी या हाई डिग्री द्वारा जो है वो डिटर्मिनेट किए जाते हैं। यह क्रम हमेशा, यह सीक्वेंस जो है वो हमेशा मैग्नीशियम आयन क्लोरीन आयन का होता है, लेकिन कैल्शियम आयन जो है वो न्यूरॉन मेम्ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकता है, जबकि मैग्नीशियम आयन जो है वो न्यूरॉन मेम्ब्रेन को इफ़ेक्ट नहीं करता। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आयनिक चैनल्स के बारे में। टोटल टू टाइप्स के चैनल होते हैं, सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल। सोडियम भी डिफ्यूज़ होता है और पोटेशियम जो है वो भी डिफ्यूज़न होता है, यानी विसरित होते हैं। और विसरित कहाँ होते हैं, पोर्स के ऊपर होते हैं। पोर्स के अंदर कहाँ, कौन से पोर पे होगा, सोडियम चैनल के पोर पे होगा, पोटेशियम चैनल के पोर पे होगा। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें शेप, साइज, रेस्टिंग स्टेज और परमेबिलिटी लिख रखी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम जो कि डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न कहाँ होता है इसका, सोडियम चैनल पे होता है। और इस चैनल का शेप जो होता है वो ओवल शेप का होता है। इस चैनल की साइज़ जो है वो 0.3 × 0.5 nm होती है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो गार्डेड रहता है, यानी रक्षित रहता है। इसी के कारण जो है पोर जो है वो क्लोज और ओपन होते हैं। इसकी रेस्टिंग स्टेज जो है, रेस्टिंग स्टेज में ये चैनल क्लोज रहता है। और परमेबिलिटी जो होती है वो जब ये ओपन होता है तो 5000 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ये जो है हमेशा पोर को ओपन या क्लोज करने का काम करेगा। सेम टू सेम पोटेशियम आयन के बारे में पढ़ें या पोटेशियम आयनिक चैनल के बारे में पढ़ेंगे तो पोटेशियम भी डिफ्यूज़न करता है, और इसके थ्रू जो है वो पोटेशियम चैनल का फॉर्मेशन होता है। इसका शेप राउंड शेप का होता है और इसकी साइज 0.3 × 0.3 nm होती है। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो गर्डेड रहता है, संरक्षित रहता है। और पोर्स जो है वो इसके कारण क्लोज एंड ओपन होते हैं। फिर नेक्स्ट है रेस्टिंग फेज, जो है वो पार्टली क्लोज होते हैं इस समय, क्योंकि सोडियम चैनल से जो है इसकी परमेबिलिटी जो है वो 50 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है, यानी 50 गुना तक बढ़ जाती है। और इसके कारण जो है वो पोर्स क्लोज एंड ओपन होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं जो चैनल्स के पोर हैं, चाहे वो पोटेशियम चैनल का पोर हो चाहे वो सोडियम चैनल का पोर हो, वो हमेशा डिपेंड करेंगे डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, यानी विद्युतीकरण और पुनर्ध्रुवीकरण के ऊपर डिपेंड करेंगे कि चैनल कब ओपन हो रहा है और चैनल को कब जो है वो वापस क्लोज होना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड रूल ऑफ क्लोराइड एंड अदर आयंस।